Solo me center the center yes then ka photo karne ha ha aaja nahi nahi bas aaiye main okay thank you center ka यार मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैं शायद मनीष दोस्त भी है तो शायद थोड़ा सा बायस हो सकता हूँ, बट मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही ऑनेस्ट परफॉर्मेंस किया है और उसने एक मुद्दा उठाया है फिल्म में जो कि अपने कॉन्शियंस के ज़रिए, मतलब उसकी खुद से लड़ाई जो है, जो चल रही है उसके माइंड में फिल्म में, वो एक बड़े मुद्दे को अंडरलाइन करती है, मतलब जो कि समाज में चल रही है आजकल। मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़ा मुद्दा है फिल्म में वो बहुत अच्छी तरीके से उसने सटली प्रेजेंट किया है और शूट भी बहुत अच्छी हुई है, बहुत रियल फिल्म। मैडम आप बताइए कि आपको काफ़ी डिफरेंट है। मनीष पॉल एक डिफरेंट अवतार में नज़र आ रहा है। मैं कुछ और सोच के आई थी और जब होता ना कि कुछ आप सोच के कुछ आते हो और होता कुछ और ही है, वो वाली बात है। जैसे कि इन्होंने कहा, इट्स अ ब्यूटिफुली शॉर्ट फिल्म, म्यूज़िक इज़ वेरी नाइस विच काइंड ऑफ एलिवेट्स जो विजुअल्स हैं। मनीष एज एन एक्टर आपको नज़र आएगा इन अ वेरी डिफरेंट वे। सो विशिंग हिम ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। बोले भाई हिंदी बोले भाई। ब्लैक ब्रीफकेस, मुझे यार ब्लैक ब्रीफकेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मनीष पॉल को इस रूप में हमने कभी नहीं देखा है और मुझे हमेशा से, मैं उनका फ़ैन रहा हूँ आप सबकी तरह, पर इस फिल्म को देखने के बाद मैं थोड़ा सा उनके ओ में भी हूँ। वो बहुत ही कमाल के कलाकार हैं।
जो इतना ज़्यादा उनको हम कॉमेडी के द्वारा जानते हैं, पर जिस गंभीरता से उन्होंने इसको निभाया है और जिस तरह से उन्होंने इसे शूट किया है, आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने दिल्ली में इस फिल्म को शूट किया है। और मनीष पॉल को तो सभी जानते हैं, पर किस तरह से उन्होंने पुल ऑफ किया मुझे कोई आइडिया नहीं। जी, एक्चुअली किसी भी कलाकार के लिए अपने आप को अलग अलग किरदारों में ढालना सबसे बड़ी बात होती है, उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है, करना तो सब चाहते हैं, पर मनीष पॉल, मुझे हमेशा से भरोसा था कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से हमारा मनोरंजन वो इतने सालों से करते आ रहे हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स में, टीवी पे, फिल्मों में, अब मुझे लग रहा है कि उन्हें सीरियस रोल्स में भी लोग उतना ही प्यार करेंगे जितना उनका कॉमेडी में करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक 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 नया बिजनेस खोल जाएगा। मुझे लग रहा है कि बहुत ही अलग किस्म के रोल्स उन्हें इससे मिलेंगे, और मैं चाहूँगा कि मैं उनके साथ काम करने की मुझे मौका मिले उनके साथ, एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैडम देख लें और फिर उसके बाद बाइट करें। भाई मैंने अभी एक फिल्म देखी है, ये सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की फिल्म है, द ब्लैक ब्रीफकेस। मनीष पॉल इज द मेन प्रोटैगनिस्ट और कार्तिक सिंह, अ बॉय हु इज ओनली 19 इयर्स ओल्ड, उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है। 19-20 का होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। ये जो मैसेज है अगेंस्ट टेररिज्म, ये बहुत ब्यूटिफुली पेश किया गया है। एक इंसान जो कुछ आतंक करने जा रहा हो और उसका इरादा बदल जाए, वो इरादा किस तरह बदलता है,
And it is a silent film in the sense that Manish ke koi dialogues nahi hai. Lekin maa ki awaaz ke do hi kisam ke insaan hote hain. Ek jo acche hote hain, ek jo bure hote hain. Aap kaun sa path chunna chahte hain, ye aapke upar hai. Aur ek cheez jo climax maine notice ki bahut acha laga hai. There are only 2 seconds between life and death. Pal. Har ek pal aapki zindagi badal sakta hai. Wo bahut zahir hota hai is film mein. Jab क्लाइमैक्स आप देखेंगे तो ये जो मैं कह रहा हूँ ये दो पल किस तरह आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं वो आपको नज़र आएगा. ऑल एंड ऑल अ फैंटास्टिक फिल्म, अ ग्रेट एफर्ट और मुझे बहुत मज़ा आया. मनीष पॉल मेरे हिसाब से मनीष पॉल इज़ अ मैन ऑफ वेरियस टैलेंट्स. वो होस्टिंग भी कमाल करते हैं, कॉमेडी के तो मतलब एक किस्म के बादशाह ही हैं वो. लेकिन इसके अलावा मैंने चीज़ नोटिस की कि मनीष पॉल को आप कोई भी रोल दे दो, वो जो गाना याद हो गया हमारे इंद्रजीत सिंह तुलसी ने शायद लिखा था कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला तो लगे उस जैसा. तो मनीष को भाई अच्छे से लोग चाहिए, अच्छे से डायरेक्टर चाहिए. मनीष ने जो काम इसमें किया है वो काबिल तारीफ है. एंड मनीष विवेक जो उनके ब्रदर हैं, एल्डर ब्रदर जी, उन्होंने ये क्रिएटिवली सोचा है कॉन्सेप्ट विद कार्तिक सिंह. फैंटास्टिक, ग्रेट एफर्ट. बहुत अच्छा रोल है. हाँ ओके सर, कैसी लगी आपको ये ब्लैक ब्रीफकेस? बहुत अच्छी लगी. मनीष तो हमारा ही बच्चा है तो आई लाइक दिस लुक वेरी गुड. और पिक्चर बहुत अच्छी थी इसलिए क्योंकि एक तो शॉर्ट फिल्म है, सिर्फ मनीष हमको संडे दोपहर को देखने के लिए बोला, ओनली ही कैन मेक अस कम ऑन संडे आफ्टरनून. मगर इसके में मैसेजिंग बहुत अच्छा था पिक्चर में. यू नो इट्स अबाउट दो रास्ते हैं ज़िंदगी में, अच्छे और बुरे, चुनना आपको है. एंड आई रिलेटेड टू इट वेरी मच क्योंकि इसमें इट्स योर मदर टेलिंग यू दैट, यू नो हर माँ अपने बच्चे को वही चीज़ सिखाती है. एंड मेरे बहुत अच्छी लगी, मनीष बहुत अच्छा लगा. एंड इट्स हिज फर्स्ट प्रोडक्शन फ्रॉम हिज कंपनी, फर्स्ट प्रोडक्शन दैट दे आर डूइंग, सो कंग्रेचुलेशंस. और मज़ा आ गया. जी नहीं, मनीष बहुत टैलेंटेड है, इसमें कोई शक ही नहीं है. ही इज़ एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड बॉय. यू नो कलाकारों को मौका मिलना चाहिए. यू नो इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी, ऑल अबाउट द रोल, एंड देन दैट्स व्हेन द बेस्ट कम्स आउट. और ये जो भी देखेगा बोलेगा कि क्या मनीष ने क्या काम किया है, क्या लुक है, तो इससे उसकी परसेप्शन भी बदल जाएगी. और एक सर की बिग बॉस की कैसी चल रही तैयारियाँ? बस आज प्रोमो हमने ट्वीट किए तो अभी तैयारी चल रही है. आज सीजन 12 आ रहा है और आके देखिए कुछ कंटेस्टेंट का नाम. ये हर साल में कोई भी यही सवाल आता है, वो तो हम बताते नहीं, मुझे भी पता नहीं है हकीकत है. थैंक यू सो मच. ओके कैसी लगी आपको? माइंड ब्लोइंग लगी है मुझे बेसिकली. टू बी ऑनेस्ट आई थिंक जब लोग ये फिल्म देखेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि मनीष पॉल जो है जो सबको हंसाता है, जो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जो स्टेज पे एक अलग इंसान होता है, वो ऐसा दिख सकता है और ऐसा परफॉर्म कर सकता है. तो वो मेरे लिए, मैं उसका दोस्त हूँ, मेरे लिए सबसे अच्छी बात इस फिल्म में है. मैं बिल्कुल शौक नहीं हूँ क्योंकि मुझे मतलब मैं तो उसको काफ़ी सालों से जानता हूँ. और इनफैक्ट हम एक बार मुझे याद है 7-8 साल पहले एक शो कर रहे थे टीवी पे सोनी पे कर रहे थे कुछ शो, और मैंने ऑडियंस को बताया था कि मनीष को मेरे बारे में कुछ कहना था और मुझे मनीष के बारे में कुछ कहना था. मनीष ने पता नहीं कुछ तो कुछ जोक मारा था, पता नहीं कुछ था. मैंने ये कहा था मनीष के बारे में कि ये एक सीरियस एक्टिंग बहुत अच्छे कर लेता है. तो मुझे याद है ऑडियंस हंस गया. वो मौका आ गया कि वो देखने का कि मनीष ऐसा दिख सकता है और ऐसे एक्टिंग कर सकता है, जो कि एक्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. स्पेशली मनीष जैसा आदमी जो जिसको टाइप कास्ट होने की बहुत खतरा रहेगा क्योंकि वो आप जब मनीष पॉल का नाम सुनते हैं, मनीष पॉल झलक दिखला जा, इंडियन आइडल, फन, वो ये सब फन कर रहे, वो करे. तो ऐसे एक्टर को टाइप कास्ट होने की बड़ी वो एक खतरा रहता है. तो इससे वो सब क्लियर हो जाता है कि भाई देख लो
ये भी याद है मेरे को। जी ब्लैक ब्रीफकेस यार टू बी ऑनेस्ट बहुत ही हार्ट टचिंग है। मुझे फिल्म देखते देखते ऐसा मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, गूज़बम्स आ गए थे। 10 मिनट में उन्होंने जो स्टोरी दिखाई है वो बहुत ही परफेक्ट है और आई थिंक इससे अच्छा आप नहीं दिखा सकते। 10 मिनट के अंदर एक पूरी स्टोरी आपने कंप्लीट कर दी है, जहाँ से वो शुरू होती है वहीं पे आपका एक कनेक्ट ना किरदार से मनीष पॉल से वहीं जुड़ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मनीष को एक तो ऐसा देख के मैं एकदम से हैरान हो गया हूँ, मतलब आई हैवन सीन हिम लाइक दैट एंड आई वुड वॉन्ट टू सी हिम मोर लाइक दैट, यू नो, बिल्कुल डी ग्लैमरस, बिल्कुल रियल, बिल्कुल यू नो नॉट मनीष पॉल, बिल्कुल उस कैरेक्टर में इतनी ब्रिलियंटली परफॉर्म कर गया है, इतना स्मूथली प्ले कर गया है पूरा कैरेक्टर वो, कि लगता ही नहीं है मनीष पॉल है, लगता ही नहीं कि वो आदमी जो स्टेज पे है वो ऐसा भी कर सकता है, यू नो इट्स अ सरप्राइज फॉर मी। मतलब मैं बचपन से जानता हूँ उसको और उसके बावजूद मैं उसको ऐसे देख के बोल रहा हूँ मनीष दिस इज़ गुड। और आई एम ग्लैड कि कार्तिक सिंह इज़ द डायरेक्टर, राइट? कार्तिक सिंह ने काफ़ी अच्छे से उसको प्रोजेक्ट किया है। एक छोटी सी स्टोरी है दंगे फसाद की और जो लगता नहीं है कि क्या हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है, लेकिन उस 10 मिनट के अंदर आपको पूरी स्टोरी दिख जाती है। इट्स ब्रिलियंट। आई थिंक एक अच्छा मैसेज भी है फिल्म के अंदर कि दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, आपके ऊपर है, आप डिसाइड करिए कि आपको क्या बनना है। अगर आपको गलत आदमी बनना है, गलत एग्जाम्पल लेके बड़ा होना है, तो फिर आप गलत ही बनेंगे। अगर आपके ऊपर है, अगर वही एग्जाम्पल लेके आप अच्छा भी बन सकते हैं, तो आई थिंक इट्स ब्यूटिफुली डन। आई एम ग्लैड आई एम हेयर टू सी इट, आई एम ग्लैड मनीष इज देयर। थैंकफुली पीपल, आई वुड वॉन्ट पीपल टू सी मनीष लाइक दैट, लाइक इट्स ब्रिलियंट, इट्स ब्यूटिफुल। थैंक यू। अच्छा है, बहुत अच्छी पिक्चर लगी मुझे और शॉर्ट फिल्म में एक नया कॉन्सेप्ट है और मनीष ने बहुत अच्छा काम किया, उसने समथिंग डिफरेंट मनीष देखने को मिला। आई थिंक लोग बहुत पसंद करेंगे। हाँ, इसमें इंटेंस था मनीष और मुझे बहुत शॉकिंग लगा और बहुत अच्छा लगा। ही इज डूइंग वेरी गुड इन द फिल्म। मैं देखूंगा, अगर डेफिनेटली कुछ अगर मनीष के साथ हो सकता है तो ज़रूर करूंगा। थैंक यू। वेरी वेल मेड, वेरी सरप्राइजिंग। मेरी अपेक्षा नहीं थी कि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इतना अच्छा मैसेज इतनी जल्दी कन्वे कर पाएंगे, बट द डायरेक्टर एंड मनीष एंड हिज टीम हैव डन अ ग्रेट जॉब, वेरी वेरी गुड जॉब। एक्चुअली मुझे शौक नहीं होता ज़्यादा, बिकॉज आई फील के एक्टर्स सफ़र इसी वजह से करते हैं, क्योंकि उनको एक रूप में हम लोग देखने की आदी हो जाते हैं तो हम उसी रूप में देखना चाहते हैं, बट एक्टर्स की अपेक्षा हमेशा ये होती है कि कुछ अलग करने को मिले। सो आई एम नॉट एट ऑल शॉक्ड और सरप्राइज, ये तो होना ही था। जी इंशाल्लाह वेरी सून। वाइट एंड ब्लैक, ब्लैक लाइट में ग्रे लग रहा है वैसे, ब्लैक। अच्छा, तो बताइए क्या जानना चाहेंगे, कहाँ से है? पैंट्स आप बाय, थैंक यू, दिस इज़ बारिश के मौसम में सफ़ेद पैंट पहनना खतरे से खाली नहीं है, बट मुझे ऐसे यस थैंक यू। ये पुराने कॉइन्स हैं, नहीं अफगानिस्तान के, मैं वहाँ पली बड़ी तो मुझे शौक है, मेरी एक डिज़ाइनर फ्रेंड है सुहानी पिटी, उन्होंने बना के दिया ये। Thank you.
गया भाई, प्लीज कम, भाई रोल है, ओके रोल है, ओके सो हाउ इज योर मूवी ब्लैक ब्रीफकेस? I think Maniesh has done a very good choice because this movie is about what choice we make in life, to be good or to be bad, to spread the positivity and love or the evil, right? So I'm happy to see Maniesh in this kind of a role on such a serious matter, which is a concern for all of us. And, you know, I think that message, you know, is very... I mean, everything has a reason in life. So, right in the morning, I made a post on Insta about this actually, with my parents, and about spreading the good things instead of the negativity. Right. So everything is connected in this world, I see. So yeah, actually, what I posted in the morning is continued with this. So it's making so much sense. You know, it's like. I'm very happy for Maniesh too. And Maniesh is a very funny man, very doing a fun job. Yes, that's but why I'm saying this is very serious. That's why I said you I'm very happy when you that he. You shocked when you saw the short movie. Oh, it's a very different. And Maniesh's real life is very different. That was the first thing that I said. No, that I'm happy that he has chosen this. You know, this subject, this role, because it's a very, very serious matter. And we used to see Maniesh laughing all the time and do this comedy roles. And he's very good in that, of course. But it's very interesting to see him in a different character. So I'm very happy for him that he explores and he has the courage to go deeper and deeper and deeper and to explore more because he's so talented. And tell us a little about your upcoming album, upcoming project, single. Yeah, we just launched a new song, which is composed by Himesh Rashamiya in a Genius movie. It's a very beautiful song, Pyar Le Pyar De. Oh, wow. Very nice song. And there are some other projects which are coming on, but for the moment... With Maniesh Paul? Why not? Yeah, we're discussing in the... In the last few months, we were discussing about this, so let's see what comes up, you know. When the time is right, the things will happen, yeah. Thank you, so best of luck for the whole team. Black Briefcase is a very good movie. Thank you, Ji. Thank you so much. Good. One picture with Mahesh Adam. साथ में कर ले मनीष जी, आइए थोड़ा सा फॉरवर्ड आ जाइए, चलो रोल है भाई, ओके। तो पहले आपकी मैडम से बात करेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल, इनसे बताएं आप इनको काफी, हम सभी इनको काफी फनी अंदाज में देखते हैं, कॉमेडी अंदाज में, ये काफी डिफरेंट है, तो आप बताइए कि क्या रिएक्शन था आपका जब आपने इनको? नहीं, मैंने तो ये वाला साइड पहले भी देखा है, बट हाँ ऐसी बात नहीं है, बट हाँ ये बहुत ही, बहुत टाइम से ऐसा कुछ करना चाह रहे थे जो थोड़ा डिफरेंट हो, कॉमेडी साइड सबने देखी है और बहुत सराहा भी है उसको, सो अब इस बार वो चाहते थे कि कुछ डिफरेंट करें जो लोगों को पसंद आए, एंड टचवुड रिएक्शंस अच्छे मिल रहे हैं, एंड मनीष वाज वेरी हैप्पी ये करके भी, ये रोल निभा के बहुत खुश थे वो, तो आई एम ग्लैड कि उनकी मेहनत जो है वो रंग लाई। मनीष जी आप बताइए, सभी का ये फीडबैक है कि काफ़ी डिफरेंट अंदाज में अवतार में आप दिखाई दे रहे हैं, इस अंदाज में लोगों ने देखा नहीं, काफी हार्डवर्क किया, यार सी ऑनेस्टली मुझे लगता है मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और एक आर्टिस्ट जो होता है वो एक दायरे में बंद की नहीं रह सकता। लोगों ने मुझे कॉमेडी अवतार में बहुत बार देखा है, मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था, और सोच रहे थे हम लोग बैठ के कि क्या एक नया किया जाए, किस तरह अपने आप को री इन्वेंट किया जाए, बिकॉज आई थिंक हर बार जब अलग चीज़ आप ऑडियंस को दो तो मज़ा आता है। सो अब कॉमेडी देखी थी, मैंने कहा चलिए ये अवतार भी दिखाते हैं, सो ऑब्वियसली तैयारी करनी पड़ी, बिकॉज टीम को भी इंस्ट्रक्शंस थी कि कोई मुझसे बात नहीं करेगा थोड़े दिन, सेट पे बिल्कुल हंसी मजाक नहीं करेगा, मैं मैडम से मैंने 5-6 दिन बात नहीं करी, बिकॉज इससे पहले ज़रूरी हो रहा था, बिकॉज वरना क्या होता है मेरे मजाक निकल आते हैं, कट ऑफ करना ज़रूरी था, वो कट ऑफ ज़रूरी था, तो हर बार में पंच निकलता है, मजाक निकलता है, तो बिल्कुल सेट पे भी हमने 3.5 दिन लगाए फिल्म शूट करने में, मैंने बिल्कुल किसी से बात नहीं करी, तो हमारी टीम भी जो है वो बड़े हैरान थे, यार ये बात नहीं करते हैं, तो बिल्कुल आँख नहीं मिला रहे हैं,
सो आई थिंक वो चीज़ें आई थिंक एक ज़रूरी होती है, एक मेथड होता है, एक प्रोसीजर होता है. सो बट मुझे बहुत मज़ा आया. जितने दोस्तों ने देखी है पसंद करें, आई होप वो जिनके लिए बनाई है वो ऑडियंस वो भी पसंद करें. बिना बात किए हुए वाले मनीष कैसे लगते? मैंने कभी नहीं देखा, पहली बार देखा ऐसे तो. ऐसे तो मैंने कभी भी नहीं देखा कि वो बात ना करे, गुस्सा हो खुश हो. मनीष बात ज़रूर करते हैं तो पहली बार ऐसा है कि मनीष कुछ बोले नहीं है, तो बहुत डिफिकल्ट रहा होगा इनके लिए ये करना. कर लिया, अच्छा किया. आपके कई सारे करीबी दोस्त यहाँ पर आए और एक जो करीबी दोस्त है वो आपसे खान खान है, उनको दिखाना चाहेंगे? अभी तो वो मालदा में है लेकिन अगर. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भाईजान से तो यार बिल्कुल अलग ही रिश्ता है. तो मैं हर बार बोलता हूँ वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो मैं जो भी काम करता हूँ उनको दिखाता हूँ. मैं एक बार उनसे पूछ लेता हूँ. नहीं ये मैंने उनको दिखाना है, मैंने उन्हें पोस्टर दिखाया था तो बहुत खुश थे, उन्हें बहुत पसंद आया था पोस्टर. अब मैं बस वेट कर रहा हूँ, मैं उनको लिंक भेजने वाला हूँ. इनफैक्ट आज रात को ही मेरा प्लान है, तो उनको देख भेजूंगा. आज देखता हूँ भाईजान को होपफुली पसंद आए, आई एम श्योर उन्हें पसंद आएगा. यार बहुत सी चीज़ें कर रहा हूँ मैं. अभी तो इंडियन आइडल कर रहे हैं, एक ये फिल्म बनाई है. अभी दो और फिल्म्स हैं जो हमने ऑलरेडी बना ली हैं. हमारा प्रोडक्शन हाउस है सिनेमैटिक्स 9, तो उसके अंडर हम बड़ा कुछ कर रहे हैं. सो लेट्स होप अब जल्दी और क्या लेके आते हैं. थैंक यू, थैंक्स. चलो थोड़ा सा पीछे कर लें. मनीष जी एक आप मनीष जी के भाई हैं और आप इस शॉर्ट के प्रोड्यूसर भी हैं, तो आप बताइए कि कैसा रहा ये सब कुछ ओवरऑल? सी ओवरऑल एक्चुअली द होल आइडिया वाज दैट मनीष को अभी तक सबने एक पर्टिकुलर तरीके से देखा है. यू नो वी हैव बीन होस्टिंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बीन होस्टिंग आई थिंक ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 12 ईयर्स. बट फिल्में करना एक हमेशा से यू नो इट वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स. दिस शॉर्ट फिल्म हैपन्ड जस्ट बिकॉज वी हैव अ प्रोडक्शन हाउस नाउ एंड वी मेकिंग लॉट ऑफ यू नो लॉट ऑफ फिल्म्स टुगेदर. दिस फिल्म हैपन्ड वेरी फनीली एक्चुअली. यू नो आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड आई हैपन टू बी सेटिंग विद द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म विच इज़ अ 17 ईयर ओल्ड बॉय. एंड मैं उनके साथ बैठा हुआ था प्लेन पर, तो जस्ट फनीली मैंने पूछा आप क्या करते हैं, तो कहते हैं मैं डायरेक्ट करता हूँ. मैंने कहा आप डायरेक्ट करते हैं? यस सच स्मॉल एज. He said yes. I said just show me some of your work. He started showing some of his work, which was very very intense, and I was like really surprised that for that age he's done that kind of job. And I said okay, why don't you come to my office? We'll probably just work out on some concept. So this concept mere zehen mein tha already. You know, I had some idea about it, and we sat together and we just chalked out the entire plan that we want to make a 15 to 17 minute short film with it. The concept was bigger initially, but then we had to cut it down to fit the you know format. And so initially to cast Manish in this was a big challenge because Manish has a certain persona, certain personality that he carries on the screen. But yes, I asked Manish and Manish was really really up for it. He said yeah, we can do it. And because we have such a busy schedule and we had to shoot the film like in 4 days, and then Manish had to carry this particular look which he could not carry as a host. So it was a challenge, but we took out those 3 days and you know this film humne fatafat se shoot kari and it has all been shot in Delhi. Kafi candid environment mein shoot hua hai and yeah it was good fun. Bahut maza aaya. Ki Manish hamesha fun karte hain, comedy karte hain, even abhi bhi wo unka ye jaari hai, to unhe is tarah ke role mein jahan baatein nahi karte convince karna kitna easy rehta hai aapke liye? As a brother kai bar kya hota hai ki as a brother it is difficult because you know I have a certain vision that I see him on screen. But to convince him that you know it becomes difficult at times. But yes, Manish as an actor is very very you know I always tell him that you know people have not seen you and there is lot that you can offer to the big screen. Fortunately hum aise era mein reh rahe hain jahan par jo madhyam hai wo bahut badal gaya hai. You know ek bada parda ki zarurat nahi hai aaj. Aap digital world itna expand kar gaya hai that we can make these films and actually showcase to the world. So it's a very good time and era that we are in. So if we have a subject it is very very easy to showcase. Manish ke liye prep tha, definitely tha, because wo bolta bahut hai, sare log jante hain, aur uske liye chup rehna for 17 minute hamare liye bahut challenge ho gaya tha. To aapko actually 17 minute dikh rahe hain, but wo 4 din ki shoot thi, to pura pura din uske liye na bolna was a challenge. But humne actually Manish ne bahut mehnat kari, actually wo set pe baat bhi nahi karta tha. To badi young team thi hamari aur sab expect kar rahe hote the ki abhi Manish ko joke crack karega, to sare dekh rahe hote the, but Manish chupchap ghumta rehta tha. सो वो हमारी फिल्म के लिए भी अच्छा एक्चुअली वर्क कर गया क्योंकि ओपन एनवायरनमेंट में शूट था, तो कैंडिड शूट था, कई जगह हमने बिल्कुल गोरिल्ला शूट किया, तो लोग पहचानते नहीं थे इसको, सो विच वाज गुड एक्चुअली. एक आखिरी सवाल कि एज एन प्रोड्यूसर आपसे जानना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में किस तरह की हम काफ़ी करेंगे या फिर आप बिग
फिल्में या कहाँ पर आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट करेंगे आफ्टर ब्लैक ब्रीफकेस? सो बेसिकली हम काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पर फिल्म ऑलरेडी बना रहे हैं. इनफैक्ट जो नेक्स्ट फिल्म है उसमें आप मनीष को एक बड़े ही डिफरेंट रूप में, इससे बहुत डिफरेंट रूप में देखेंगे. वो भी शॉर्ट फिल्म है. इट इज़ बेसिकली मनीष एक सरदार का किरदार प्ले कर रहे हैं और वो भी एक फार्मर है एक्चुअली. तो एक सक्सेस स्टोरी है एक फार्मर की, वो बहुत जल्दी हम रिलीज़ करेंगे उसको. एंड वो भी एक बहुत डिफरेंट रोल होगा मनीष के लिए. इसमें पंजाबी बोली है मनीष ने थ्रू आउट. सो ऐसे कई इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम काम कर रहे हैं. एंड म्यूज़िक वीडियोज़ भी हमने दो निकाले थे इनिशियली. एंड वी हैव अ फीचर फिल्म ऑल्सो कमिंग. सो काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में हैं.